नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई की तरफ से 10वीं बोर्ड के रिजल्ट कब जारी किए जाएंगे इस बारे में। पूरे देश समेत बिहार में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए ही सरकार की तरफ से 10वीं की परीक्षा को रद्द करने का फैसला सुनाया गया था। वहीं अब 10वीं परीक्षा के रिजल्ट कब जारी किए जाएंगे इस बात को लेकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जानकारी साझा कर दी गई है, जिसके तहत सीबीएसई ने यह साफ कर दिया है कि रद्द की गई 10वीं परीक्षा के परिणाम 20 जून को घोषित किए जाएंगे। सीबीएसई ने इसको लेकर के हाल ही में अपना बयान जारी किया है। सीबीएसई के अपडेट के अनुसार कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए साल के अंत या बोर्ड परीक्षा की नई रचना योग्यता आधारित प्रश्नों के लिए 30% अंक आवंटित किए जाएंगे। ये प्रश्न एमसीक्यू, केस आधारित प्रश्न, शोध आधारित एकीकृत प्रश्न या किसी अन्य प्रकार के रूप में होंगे। इसके अलावा 20% अंक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के लिए और शेष 50% अंक मौजूदा पैटर्न के अनुसार लघु या दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए होंगे। इस बीच सीबीएसई ने अपने सभी स्कूलों को एनसीईआरटी लर्निंग आउटकम अपनाने और परीक्षा और मूल्यांकन प्रथाओं में बदलाव करने को कहा है। सीबीएसई ने उन सभी संबंध स्कूलों के प्रमुखों को एक पत्र लिखा है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप नई प्रथाओं की सिफारिश करते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोविड-19 की लहर से पहले सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा मई महीने से शुरू होने वाली थी। हालांकि 14 अप्रैल को सीबीएसई ने अपने फैसले का बदलाव करते हुए 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी थी। पिछले कई दिनों से स्टूडेंट रिजल्ट की तारीख का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, जिसके बाद अब तक सस्पेंस बना हुआ था कि सीबीएसई ने परीक्षा को रद्द तो कर दिया है, लेकिन रिजल्ट की घोषणा कब की जाएगी। इससे पहले बोर्ड ने परीक्षा के लिए मार्किंग पॉलिसी की घोषणा भी कर दी थी। इस पॉलिसी के तहत प्रत्येक विषय में 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट और 80 नंबर सत्र के दौरान हुई परीक्षाओं पर आधारित होगा। इसके आधार पर ही छात्रों के परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी। इसको लेकर सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर संयम भारद्वाज ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि स्कूलों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा दिए गए नंबर 10वीं की प्री बोर्ड परीक्षा में स्कूल के प्रदर्शन के अनुरूप हो, जिसके बाद अब सीबीएसई की तरफ से छात्रों के लिए नई अंक निर्धारण नीति की घोषणा कर दी गई है। इसी के आधार पर परीक्षा परिणाम को जारी किया जाएगा। सीबीएसई की नोटिफिकेशन को देखें तो नतीजे तैयार करने के लिए हर स्कूल को 1-8 सदस्यीय रिजल्ट कमेटी बनानी थी और इसको अनिवार्य किया गया था, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल के साथ साथ मैथ, सोशल साइंस और 2 लैंग्वेज टीचर का होना अनिवार्य था। इतना ही नहीं, सीबीएसई ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि जारी किए गए कमेटी में 2 टीचर पड़ोस के स्कूल से भी रखना अनिवार्य है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोविड-19 की इस नई लहर को देखते हुए छात्रों की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद अब नई पॉलिसी के तहत छात्रों के रिजल्ट को जारी किया जाएगा। सीबीएसई ने कोविड-19 के संभावित खतरे को देखते हुए और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उक्त फैसला सुनाया था, जिसके बाद से ही 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। वहीं 12वीं की परीक्षा को स्थगित करने का फैसला सुनाया गया था। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।